नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर वरुण मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो पिंपल से होने वाले यानी पिंपल से पड़ने वाले दाग से बहुत ज्यादा यानी स्कार से बहुत ज्यादा परेशान है ये वीडियो आप अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा पांच होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद पिंपल से बने स्कार बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर एक्ने होते ही क्यों हैं। एक्ने अक्सर प्यूबर्टी के आसपास होते हैं आपके फेस पर सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर इंफेक्शन uh, हो जाता है हॉर्मोनल चेंजेस के चलते वो ग्लैंड का जो मुंह होता है वो थोड़ा मोटा हो बड़ा हो जाता है और इसके चलते उसमें गंदगी इजीली फंसती है और वहां पर इंफेक्शन हो जाता है जब इंफेक्शन हो, हो जाता है तो वहां पे एक्ने हो जाता है एक्ने होने के बाद वो कुछ लोगों में तो एक दो एक्ने छोटे छोटे बनते हैं और वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ लोगों में पूरा का पूरा मुंह भर जाता है छाती पे बहुत हो जाते हैं कंधों पे बैक पे बहुत ज्यादा एक्ने मोटे मोटे बड़े बड़े हो जाते हैं अगर थोड़ा सा रेडनेस बनने लगी है थोड़ा हार्ड हुआ है तो हम उसको पेप्यूल बोलते हैं उसमें मवाद भर गई है तो हम उसमें बोल, उसको बोलते हैं कि ये पस््यूल बन गया है उसके बाद इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं थोड़ा सिस्टिक अगर ज्यादा मवाद भर गई है तो सिस्टिक हार्ड एकदम गांठ सी बन गई है मोटी सी तो उसको हम बोलते हैं नोड्यूल तो अलग अलग टाइप के जो एक्ने होते हैं वो मरीजों के चेहरे पे हो सकते हैं लेकिन जो स्कार छोड़ते हैं दोस्तों छोटे पिंपल जो हैं, वो जनरली स्कार नहीं छोड़ते जो बड़े सिस्टिक एक्ने और नोड्यूलर एक्ने, जो लाल लाल मोटे से चार पांच मिलके गांठ सी बना देते हैं नोड्यूलर सिस्टिक है वो डीप एक स्कार छोड़ सकते हैं निशान छोड़ सकते हैं स्किन पे वहां पे शुरुआती दौर में हो सकता है कि पिगमेंटेशन हो जाए बाद में वहां पे परमानेंट डीप एक एक स्कार बन बन जाए जाए पर्पल कलर कलर का का या स्किन के ही कलर का एक गहरा गड्ढा तो इसके चलते लोग इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एम्बेसिंग फील करते हैं जो युवा हैं वो काफी ज्यादा उनका जो सेल्फ एस्टीम है कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है क्योंकि उनको लगता है उनका चेहरे पे ये स्कार है और ये शायद स्कार अब कभी नहीं जाएंगे तो दोस्तों निराश ना हो मैं आपको बताने जा रहा हूं पांच होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद हो सकता है आपके स्कार जड़ से खत्म हो जाए तो पहली जो दवा है उसका नाम है सोराइनम। नाम नोट कर लीजिए स्पेलिंग नोट कर लीजिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है सोराइनम इस दवाई को हम कब इस्तेमाल करते हैं जब आपके जो स्कार्स हैं मान लीजिए आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली रहता है आपको स्किन इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ऑयली के चलते आपका फेस हमेशा डल लगता है डल काफी ज्यादा डल फेस लगता है और आपके पिंपल आए दिन डीप डीप पिंपल होते रहते हैं बहुत सारे स्किन ऑइंटमेंट आपने अप्लाई किए कुछ आराम नहीं आया तो और आप बहुत ज्यादा वेट आपका ज्यादा है पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं और हर पिंपल ने डीप स्कार छोड़ दिया स्किन बहुत ऑयली है तो आप ले सकते हैं सोराइनम थर्टी पोटेंसी में दो दो बूंदे दिन में सुबह शाम सुबह शाम लें कम से कम दस से पंद्रह दिनों के लिए और आप देखेंगे आपके स्कार कितनी तेजी से हील होने लग जाएंगे दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सोराइनम इसकी सिर्फ आपको दो बूंदे सुबह शाम सुबह शाम आधे कप पानी में डाल के पीछे दस पंद्रह दिनों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दवा नंबर दो जो है दवा नंबर दो है साइलीशिया नाम नोट कर लीजिए स्पेलिंग नोट कर लीजिए साइलिशिया दोस्तों हम जनरली उन लोगों में देते हैं जिन लोगों में जो एकदम गड्ढे वाले गड्ढे वाले स्कार होते हैं जैसे जिनके गड्ढे गड्ढे जिनके चेहरे पे बहुत सारे गड्ढे गड्ढे पड़ जाएं उनको हम साइलीशिया देते हैं बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों साइलीशिया गड्ढे गड्ढे वाले स्कार पड़ चुके हैं पहले हम मोटे मोटे पस वाले पिंपल्स थे उसके बाद अलग अलग साइज के गड्ढों वाले स्कार पड़ चुके हैं बहुत अच्छी मेडिसिन है और दोस्तों ये जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है ज्यादा पसीना आता है सर में बॉडी में चेहरे पे पिंपल बहुत सारे हुए स्कार हो गए बहुत सारे साइलिशिया, साइलिशिया की थर्टी पोटेंसी खरीद लें दो दो बूंदे दिन में तीन बार दें कम से कम दस से पंद्रह दिनों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे स्कार एकदम गायब हो जाएंगे दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दवा नंबर तीन की तरफ अब हम चलते हैं दवा नंबर तीन है जिसका नाम है बेलडोना जी अगर आपको हार्ड नोड्यूल यानी कि हार्ड एकदम गांठ वाले एकदम हार्ड रेड कलर के नोड्यूल हैं बहुत पेनफुल हैं वो बन गए हैं और उसकी वजह से वो हील हो गए हैं लेकिन वो मोटा मोटा नोड्यूल बना रह गया वहां पे मोटा पिंपल हुआ मोटा पिंपल हुआ उसके बाद वहां पे लाल लाली माछ आ गई बहुत पेनफुल था वो हील हो गया लेकिन मोटी सी गांठ अभी भी लाल सी अभी भी बनी हुई है तो आप दोगे बेलडोना थर्टी पोटेंसी चार चार ड्रॉप आधे कप पानी में डाल के दिन में तीन बार कम से कम बीस दिनों के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो नोड्यूल बैठ जाएगा लालपन खत्म हो जाएगा दर्द बंद हो जाएगा नोड्यूल बैठ के बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो जाएगी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों दवा नंबर चार है दोस्तों जिसका नाम है काली ब्रोम।, काली ब्रोम अपने आप में बहुत ही एक्सेसिवली अच्छी दवा है ये दवा हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं जो होम्योपैथिक फर्टर्निटी है उसमें काली ब्रोम जो है पस्ट्यूलर एक्ने के लिए यानी कि मवाद वाले सिस्टिक मवाद वाले बड़े बड़े एक्ने हो रखे हैं वो फोड़े जैसे ही लगते हैं इतने बड़े एक्ने हैं छाती पे है कंधों पे है पीठ पे है मोटे मोटे एक्ने हैं हार्मोनल चेंजेस यानी कि प्यूबर्टी के आसपास जब ये दाने ज्यादा बढ़ जाएं तो आप देंगे काली ब्रोमैटम थर्टी पोटेंसी दो दो बूंदे दिन में तीन बार बहुत अच्छे बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है आप इसको 10 से 15 दिन कंटिन्यू रखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नोड्यूल शांत हो जाएगा सिस्टिक एक्ने खत्म हो जाएंगे बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो मवाद पड़ रही थी वो सब एकदम सेटल डाउन हो जाएगी और स्कार भी नहीं रहेगा और स्कार होगा तो वो ठीक हो जाएगा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है पांचवी हमारी दवा है बर्बेरिस एक्विफोलियम जी हां ये एक जेल है जी ये एक जेल है और ये जेल बहुत ही अच्छा इफेक्टिव जेल है ये मेडिसिन मदर टिंचर में भी आती है लेकिन इसका जेल बहुत अच्छा यूज करने में इस्तेमाल हम करते हैं ये एक जेल है बहुत इफेक्टिव जेल है आप इस जेल को परचेज कर लीजिए दिन में तीन बार मुंह धोने के बाद इस जेल को अपने एक्नेस पे स्कार पे अप्लाई कीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे हर टाइप के स्कार हर टाइप के एक्ने पे ये मदद करेगा एक्ने भी हटाएगा और स्कार फॉर्म ना होने में भी आपकी हेल्प करेगा बहुत इफेक्टिव जेल है दोस्तों ये आप ले सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताई पांच होम्योपैथिक दवाइयां आशा करता हूं इन दवाइयों के सेवन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जिनके स्कार हो रहे हैं आप जिनको जानते हैं जिनके स्कार हो रहे हैं चेहरे पर यानी कि दाग धब्बे हैं उनमें यह वीडियो शेयर कीजिए अपने सिम्टम्स के हिसाब से दवा दीजिए कंफ्यूज है तो हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट चार्जेबल रहेगा नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी जानकारियां हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे कि आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं अपना ख्याल रखिए दोस्तों वंदे मातरम जय हिंद